आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली गणेश जी भगवान और एक सेठ सेठानी की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। वह बहुत ही धार्मिक पर्वती के थे। वह दोनों गणेश जी भगवान के अन्य भक्त और जरूरतमंदों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। उनका बहुत बड़ा परिवार था, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। सारा परिवार उनसे बहुत प्रेम करता था, पर कभी कभी कानापूसी भी करते रहते थे कि सेठानी बांझ है। इस बात से दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक समय की बात है, सेठ सेठानी गणेश जी भगवान के मंदिर में पूजा कर रहे थे। पूजा करने के बाद वह मंदिर से बाहर आए कि मंदिर की सीढ़ी पर एक 2 साल का बच्चा बैठा रो रहा था। सेठ जी ने चारों तरफ देखा, बच्चे के माता पिता वहीं आसपास होंगे, परंतु उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह उस बच्चे को पुजारी के पास लेकर आए और बोले, बाबा यह बच्चा अकेला है, इसके माता पिता कहीं दिखाई नहीं दे रहे। शाम हुई तो पुजारी जी बोले, सेठ जी आप इस बच्चे को घर ले जाइए, यदि कोई इस बच्चे को खोजता हुआ आएगा तो मैं उसे आपके घर भेज दूंगा। सेठ सेठानी खुशी खुशी उस बालक को अपने साथ ले गए। जब कई महीनों तक उस बच्चे का कोई भी लेने नहीं आया, तो सेठानी ने उस बच्चे को गोद लेने का मन बनाया और गांव के सरपंचों की सलाह से गोद ले लिया। उस बच्चे का नाम उन्होंने गणेशिया रखा। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन एक ठग पति पत्नी उस गांव में आए और गणेश जी महाराज के मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए। वह दोनों उस गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने की योजना बनाने लगे। तभी पुजारी जी उन्हें सीढ़ियों पर बैठा देखा तो पूछा, क्यों भैया यहाँ किस काम से बैठे हो? उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। तब पुजारी जी ने कहा, कहीं आपका बच्चा तो नहीं खो गया? दोनों ठग पति पत्नी एक स्वर में बोले कि हाँ हाँ महाराज, हमारा बच्चा खो गया है। पुजारी जी ने पूछा, कितने समय की बात है? वह दोनों अनजाने में बोले, यही कोई 4-5 साल की बात है। पुजारी जी बोले, उदास मत होइए, यही इसी गांव में एक सेठ के घर ही बच्चा है, यही ठाट बाट से पल रहा है। पुजारी जी उन दोनों को सेठ जी के घर ले गए। तब सेठ सेठानी को पता चला कि गणेशिया के असली माता पिता आ गए, तो वह दोनों बहुत दुखी हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। किसी तरह अपने को संभालते हुए सेठ जी बोले कि ठीक है, अभी तो बहुत रात हो गई और सुबह होते ही गणेशिया को ले जाना, पति पत्नी तो यही चाहते थे। सेठ ने उन दोनों को अतिथि गृह में ठहरा दिया। अब दोनों चोरी की योजना बनाने लगे। इधर गणेशिया से जुदा होने का गम सेठ सेठानी को सता रहा था, जिसके कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। इधर ठग सभी कमरों की तलाशी लेने लगे। तलाशी लेते हुए तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। आवाज़ सुनकर घर के नौकर की नींद खुल गई। तब नौकर ने देखा दोनों अतिथि तिजोरी वाले कमरे में कुछ खोज रहे हैं। नौकर ने नियत भाप ली और बाहर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर। घर के सभी सदस्य इकट्ठा हो गए। सेठ जी ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो कहा, ये दोनों तो चोर है, हम इन्हें गणेशिया नहीं देंगे। ठगों को अपनी योजना विफल होती दिखी तो दोनों जिद पर अड़ गए और कहने लगे, गणेशिया मेरा बेटा है। सेठ जी बोले, तुम दोनों तो चोर है,
हम तुम्हें गणेशिया नहीं देंगे। तब यह बात सरपंच तक पहुंच गई। वहां सरपंच ने एक शर्त रखी कि दोनों को सभा में आमने सामने माताओं को खड़ा किया जाएगा। अब दोनों माताओं को आदेश दिया जाएगा कि आप दोनों सूर्य देव के सामने खड़े हो जाए, जिसके स्तनों से गणेशिया के मुंह में दूध की धार जाएगी, बच्चा उसी का माना जाएगा। तब गणेश जी महाराज की कृपा से सेठानी के स्तनों से गणेशिया के मुंह में दूध की धार जाने लगी। इस तरह गणेश जी महाराज की कृपा से गणेशिया सेठानी को वापस प्राप्त हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ सेठानी को पुत्र सुख दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले, सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी भगवान की जय हो।